आज आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में स्वागत है, जिसमें कुछ डायनेमिक डेटा ऑटो अपडेट के बारे में हम लोग आज आपको बताएंगे। डायनेमिक डेटा ऑटो अपडेट क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टेड है बच्चों। इसको सीखने के बाद आप लोग कोई भी डायनेमिक डेटा, किसी भी तरीके का डायनेमिक डेटा आप बना सकते हैं बहुत साधारण तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये आपका आईडी नंबर है, ये नेम है। हम लोग कोई भी आईडी नंबर चेंज करेंगे, कोई भी डेटा अगर नीचे इसके नीचे अगर हम लोग लिस्ट बनाते हैं, इसके नीचे अगर बनाते हुए चले आते हैं, तो अगर हम इसका नंबर ऑटोमेटिक यहां डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपडेट करेगा। इसी को कहते हैं डायनेमिक डेटा ऑटो अपडेट। तो एक्सेल के अंदर कैसे ये काम करेगा, कौन कौन से फार्मूले लगेंगे और क्या क्या तरीका है इसका बनाने का, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए विंडो आर किए, यहां से एक्सेल हमने रन किया। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं और साथ में कुछ शॉर्टकी भी आपको सिखा देंगे कि कैसे, किस शॉर्टकी से रो सेलेक्ट होती है, किस शॉर्टकी से कॉलम सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि कल के पेपर में हम लोगों ने देखा था कि ये डेटा जरूर आया था, आप लोगों ने केयर नहीं किया है। देखिए मैंने एक डेटा बनाया है, इस पर अगर मैं कोई लिस्ट या कोई नाम ऑटोमेटिक फीड करता हूं, देखिएगा इसमें मैंने लिख दिया 16106, एंटर कर दिया, तो देखिए ये डेटा ऑटोमेटिक क्योंकि नॉट अप्लीकेबल बता रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ डेटा नीचे है नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे फीडिंग करते हैं 16 और कोई नाम दे दिया, हमने दे दिया यहाँ पे मोहन कहते हैं, और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ना हमको लिस्ट मिलती है ना ही आपको कोई डेटा अपडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस पर हमें कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम 16 यहाँ लिखते हैं तो ये काम नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं कि इस डेटा की लिस्ट को अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसे हम क्लियर कर दिए मान लीजिए, अब यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करते हैं 16106, तो देखिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल बता रहा है, क्योंकि जबकि हमारे पास डेटा है लेकिन ये डेटा को सर्च नहीं कर पा रहा है। अगर कोई भी हम लोग नीचे डेटा ऑटोमेटिक टाइप करते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होता रहे, जबकि यहाँ पे वीलुकअप ये काम नहीं कर रहा है, तो ये कैसे संभव है। तो हम लोग सेकंड सीट पे उस डेटा को सही से डिफाइन किए हैं, देख लीजिए ये है डायनेमिक डेटा ऑटो अपडेट। इस पे कैसे काम करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे में कोई फीडिंग किया 160 और मैंने कोई नाम दिया, जैसे मैंने दिया मनीष या मोहन, कोई भी नाम दे दीजिए आप, मैंने दे दिया मनीष ऐसे। अब मैं अगर यहाँ पे 160 टाइप करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उठा के रख देगा। कोई भी डेटा आप फीडिंग नीचे करिए 1 से 107, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जैसे आपने रोहन टाइप कर दिया, रोहन, और एंटर किया। अब अगर आप यहाँ पे 107 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक रोहन का डेटा यहाँ पे उठ के आ जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ मैं आज आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा ये डेटा। तो बहुत सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा, डेटा को हमें जरूरत है, यहाँ से थोड़ा जूमिंग साइज अच्छी कर लीजिए जिससे आपको दिख सके सब कुछ परफेक्टली डेटा, आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सेट कर लीजिए। इसके पहले आप डेटा पूरा क्लियर कर देता हूं, नॉर्मल कर देते हैं हम लोग डेटा को, होम टाइप के अंदर जाके आप इसे क्लियर कर दीजिए, क्लियर फॉर्मेट्स ओनली कलर कलर जाए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस पे बॉर्डर्स लगा लीजिए, इसको आप डिलीट मार दीजिए, बॉर्डर सेट कर लीजिएगा ऑल बॉर्डर्स, और उसके बाद आप यहां से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे, यानी टेबल रूप में से कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल रूप कैसे बनाएंगे, कंट्रोल के साथ टी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये टेबल बन चुका है इसलिए टेबल रूप में काम नहीं कर रहा है। कॉपी, अगली सीट में आ जाइए, यहां से वैल्यू आप देखिए यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि वहां पे इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कॉपी कर रहे थे। ऑटो फिट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे डेट में से कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि डेट होनी चाहिए आपकी शॉर्ट डेट।
अब आप इसे कंट्रोल के साथ टी करिएगा, जैसे कंट्रोल के साथ टी करके आप यहां से ओके कर देंगे, ओके करने के बाद ये कुछ टेबल रूप में इस तरीके कन्वर्ट हो जाएगा और आप लोग यहां पे आके इसको कुछ ऐसे सेट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे, फिल्टर आपका हट जाएगा और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर यहां पे कोई कलर दिखे तो आप यहां से कलर भी सेट कर सकते हैं और यहां से बॉर्डर लगा दीजिए। इस दोनों डेटा को आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके यहां से पेस्ट कर लीजिएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, बॉर्डर में सेट कर लीजिए। अब हमें यहां से डेटा को उठाने के लिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बताइए, कि मैं यहां पे कोई नंबर आईडी टाइप करूं और ऑटोमेटिक यहां पे वो नेम सर्च करके आ जाए, कौन सा फार्मूला होगा? और बच्चे बताइए, वी लुकअप फार्मूला। चलिए लगाते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इस पे क्लिक करोगे, लुकअप वैल्यू इसको बनाया हमने, कॉमा आपसे पूछता है टेबल एरे, तो टेबल तो आपने एरिया पूरा इसको बना रखा है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, किस नंबर पे आप हैं डेटा उठा रहे हैं, टू से, ये वन टू एग्जैक्ट जीरो ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे एरर ना आए उसके लिए क्या करेंगे, इफ एरर लगाएंगे और टैब की प्रेस करेंगे और यहां से आके डबल इंड कॉमा के अंदर लिखेंगे नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, डबल इंड कॉमा ब्रैकेट दो बार क्लोज एंटर, यस, क्योंकि अभी हमने कोई आईडी नंबर डाली नहीं इसलिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ 102 डाल देते हैं और इंटर करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सर्च करके दे दिया। लेकिन अभी इस वाली सीट में क्या था, हम लोग कोई डेटा अगर यहाँ से लिखते थे जैसे 107 हमने लिखा तो देखिए यहाँ नहीं उठ के आएगा, जबकि यहाँ पास अगर हम लोग कोई फीडिंग करते हैं 106 कोई नाम, जैसे रोहन नाम दे दिया हमने ऐसे, और मैं अगर यहाँ पे इसकी आईडी देता हूँ 106 तो देखिए बच्चों ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता, समझ गए? आप लिस्ट बना के भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे लिस्ट नहीं बनी इसकी वजह से नहीं काम ऐसे काम कर रहा है, तो देखिए हम लिस्ट बना के भी आपको दिखा देते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट उठानी है, यहां से सोर्स पूरा उठा लेना है जहां तक आपको जरूरत है, ओके कर दीजिए, चले आते हैं हम लोग वहीं से। अब मैं यहां टाइप करता हूं 107, अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं, देखिए यहां पे नाम आप फीड कर दीजिए, नाम आपने नहीं फीड किया इसलिए वहां डेटा उठ के जा नहीं रहा, समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया सबको, आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाए, आपकी रो सेलेक्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस कर देंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ इंसर्ट स्पेस बटन दबा देंगे तो आपकी रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, समझ में आया? तो ये इस पेपर में आया था इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अगर इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।